हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा हैप्पी बसंत पंचमी। तो मैं हूँ किचन में और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे लेना है गौरी माता से सुहाग। और ये गाइस, मैंने मेहंदी ऐसे ही रखी हुई थी काफ़ी टाइम की, तो ट्राई किया कि कलर आता है कि नहीं, तो कलर उसमें आ गया। तो मेरा हुआ कि चलो आप लोगों से बातें हो रही हैं तो नेल पेंट मैं लगा लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद ये सूख भी जाएगी तो उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो गाइस, मैं यहाँ रेड कलर की नेल पेंट, येलो साड़ी जो कि मैं पहनी हूँ, फिर ये चूड़ियाँ जो हैं, मैं गई थी वैष्णो माता तो वहाँ से लेके आई थी, और अपने लिए भी लाई थी, ननद लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए लाई थी। बस कलर का फ़र्क है कि उनका कलर जो है रेड कलर है, मेरा येलो है, और मेरी छोटी वाली ननद का जो साइज है वो मुझसे मैच हो जाता है। और मैं आपको बाल दिखा रही हूँ कि मुझे ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, पर बाल मेरे जो हैं झाड़ू जैसे हो गए, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी में तो बाल झड़ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो ऐसे मांग निकालने में सिंदूर डालना सही लगता है। तो मेरी नेल पेंट सूखी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया कि अभी थोड़ी देर बाद हम सामान रखेंगे, तैयारी करेंगे। और यहाँ मोबाइल रखने में आसान रहता है किचन में, तो मैं यहीं पे ज़्यादातर रील्स और ब्लॉग्स डालती हूँ गाइस। और यही कंघा, शीशा, लिपस्टिक, बिंदी, सिंगार की जो चीज़ें रहती हैं, तो मुझे घर में ही रहना, घर पे लेना है, तो इसके लिए मैं चढ़ा के फिर ले लूँगी। बिंदी जो मैं जैसे लगाती हूँ वैसे गौरी माता के लिए लाई हूँ। और ये जो येलो कलर का कपड़ा है, जैसे मैं बिंदी लगाई वैसे ही लेके आई हूँ। और रेड कलर की चूड़ियाँ रेड भी लेके आई हूँ और येलो भी लेके आई हूँ। और ये है लिपस्टिक, मेहंदी, छोटू सा ये क्या, वैसलिन का बॉडी लोशन है, ये लड्डू मैंने येलो कलर के मंगवाए, सब आज येलो येलो ही रहेगा, तो वही मैं दिखा रही हूँ। फिर मैं कुछ भूल गई कि संकट्टी व्रत में जो लड्डू पीड़ा बनता है वो भी चढ़ाया जाता है, तिल का, जो भी आपके पास हो, तिल है, रामदाना है, जो भी हो, तो मैं उसको निकालने लगी। और उसी दिन मैंने थोड़ा सा हटा दिया था बसंत पंचमी के लिए, इसको भी निकाल के रखूँगी। फिर मुझे याद आया मौसम ठंडा है तो हो सकता खोल के रखूँ तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके लिए मैं ऐसे ही लेके वहाँ रखती हूँ पूजा के समय, और जब पूजा करना होगा तो मैं निकाल लूँगी। अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ, ये आप सभी को दिखा रही हूँ कि ये सब भी चढ़ेगा पूजा में। तो गाइस, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और मुझे भगवान जी बनाना नहीं आता तो मैंने मार्केट से मंगवाया, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, और मोबाइल में उतना क्लियर नहीं आया, सामने से आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। गणेश भगवान है, पहले मैं इनको आलता लगाऊँगी उसके बाद मैं अपना आलता लगाऊँगी। तो मेरे यहाँ ऐसे ही होता है कि हम पहले गणेश भगवान को और गौरी माता को, भोले बाबा को, जो भी चीज़ें करेंगे पहले इनको करेंगे। तो ये जो खिचड़ी देख रहे हैं इनको ऐसे ही बैठाया जाता है और रेड कलर के कपड़े में, फिर उनका हो गया भगवान जी का, तो मैं आ गई अपने पैरों में आलता लगाने, लग गया मेरा आलता, मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा। गाइस क्या करें, हस्बैंड का फ़ोन आ गया तो वो सूट नहीं कर पाए, तो पूजा जितना था हो गया था, फिर हम सिंदूर ले रहे हैं तो उसका वीडियो आ गया है, और कोशिश करेंगे फिर कभी बताएंगे, या तो फिर हमने बता दिया आपको जैसे पूजा करनी है वैसे ही करनी रहती है, बस सिंगार की चीज़ें इसमें चढ़ती हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हो, बहुत लोग बिछिया चढ़ाते, पायल है, साड़ी है, जिसके पास जो जैसे हो वैसे ही होता है गाइस। तो हमने तो ऐसे ही पूजा की, और पूजा करने के बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि इधर मैं पूजा कर रही थी और उधर चाय चढ़ा दी थी, और पति देव घर पे ही थे, वो भी इंतज़ार कर रहे थे पूजा कर लें, तो उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। बच्चे स्कूल गए, उनको सब्जी पराठा बना के मैंने दे दिया, और दोपहर के खाने में खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ। मेरी इधर पति देव के भी पैर छू रही थी, ये बैठे थे तो हमने कहा इधर ही आपके भी पैर छू रहे थे, तो ये हमने शाम के लिए तैयारी करके रखी है, बड़ा बनाने की दाल भिगो के रखी है, दोनों लोगों की चाय। तो गाइस, आप सभी को पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद हम लोग बाय बाय करते हैं, क्योंकि ब्लॉग जो है जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। बाय बाय।